मैं आपको एक छोटी सी रिकॉर्डिंग भी सुना देता हूँ, जिन भाई के साथ आप बीती थी, बहन का इंटरव्यू तो मैंने यहाँ लगाया हुआ है, अगर वो इंटरव्यू आपको ढूंढने में मुश्किल हो तो मैं आपको एक साथ रिकॉर्डिंग भी लगा देता हूँ। बहुत सारे आर्टिकल अभी चल रहे हैं, तो 88 और 89 के साथ समझो 92 की भी मौत हो गई है। उसकी वजह ये है कि जब बच्चे का एडमिशन होता है ना, तो उसके बाद जब हम आईमा जाते हैं तो आईमा वाले पहला सवाल ये करते हैं कि फाइल किसकी लाख है, वालदान में से दोनों की पुर्तगाल में इनकम किसकी है। ठीक है, वो इनकम शो करानी पड़ती है, अगर फाइल लाख नहीं होगी ना कंपनी खुलेगी, ना कोई कंट्रैक्ट होगा, ना कोई चीज़ होगी, क्योंकि वो लीगली तो काम कर नहीं सकता। तो मैं समझता हूँ कि अब मैंने कल आपकी वीडियो देखी, मुझे आपकी एक चीज़ समझ आई है कि आप जनाब अदालत में केस कर लें तो मुमकिन है, ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन नए वाले वालों को आप ये बिल्कुल गाइड नहीं कर सकते कि आर्टिकल 92 खुला है, क्योंकि आर्टिकल 92 अब उस तरह रहा ही नहीं, क्योंकि 88 और 89 में फाइल लॉक करनी होती थी और इनकम जनरेट करनी होती थी, बेशक तनख्वाह अपनी जेब से डालनी है और कंट्रैक्ट जो भी, लेकिन अब मेरे हिसाब से 92 भी ख़त्म हो गया है। जो पुराने हैं ना उनका ही होगा जिनकी फाइल लॉक है, जिनकी फाइल लॉक नहीं है उनका मुमकिन नहीं रहा। क्या राय है आपकी, क्योंकि मैं इस प्रोसीजर से गुजरा हूँ ना, अगर कोई ऐसी बात होती तो मेरे बायोमेट्रिक ना, क्योंकि मेरी मिसेज की फाइल लॉक थी तो इसलिए उनके बायोमेट्रिक हुए, मेरे नहीं हुए। उन्होंने कहा जी आपकी पुर्तगाल में कोई इनकम नहीं है, लिहाजा हम आपके बायोमेट्रिक नहीं कर सकते। मैंने ट्राई की थी मुझे मेरे कर लो, तो वो नहीं माने, कहते नहीं आपके नहीं हो सकते। तो आज दो तीन टॉपिक पे बात करूंगा। सबसे पहला टॉपिक मेरा पुर्तगाल की इमिग्रेशन को लेके है। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि पुर्तगाल की इमिग्रेशन आर्टिकल 88 और 89 बंद हो चुका है, और बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं कि आर्टिकल 88 और 89 के साथ साथ इनके और बहुत सारे आर्टिकल बंद हो चुके हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को मिसाल दूँ कि आर्टिकल 92 ये वो आर्टिकल था कि जिसके ऊपर बच्चे का स्कूल बेस के ऊपर जो है आपको रेजिडेंस कार्ड मिल जाता था। अब हो क्या रहा है, मेरे पास बहुत बड़ी तादाद में आप लोगों के फ़ोन आ रहे हैं और कॉल्स आ रही हैं, वो बोल रहे हैं मुर्तज़ा भाई फाइल लॉक सिस्टम तो बंद हो गया है, आर्टिकल 88 और 89 तो बंद हो गई है, तो क्यों ना हम आर्टिकल 92 की तरफ जाते हैं। हमारे बच्चे 7 क्लास में 8 क्लास में पढ़ रहे हैं हमारे कंट्रियों में, हम यहाँ आ जाते हैं, यहाँ बच्चों का एडमिशन कराते हैं, स्कूल से डिक्लेरेशन लेते हैं, आर्टिकल 92 के तहत अपॉइंटमेंट लेते हैं, और अपॉइंटमेंट लेने के बाद हम पहले बच्चे का कार्ड दिलाते हैं और बच्चे के कार्ड के बाद हम पेरेंट्स कार्ड ले लेते हैं। तो उसकी मिसाल मेरे दोस्तों मैं आपको सबसे अच्छी ये दूं कि अभी रिसेंटली आप देखेंगे अगर मेरी वीडियोस में जाके, तो मैंने अपनी एक बहन का इंटरव्यू लिया था जो कि दुबई से यहाँ पर आई थी, उनके जो हस्बैंड है वो ऑलरेडी दुबई में मौजूद हैं, वो उनको ड्रॉप करके यहाँ वापस चले गए थे। इस बहन ने मेरी अपने बच्चों का एडमिशन कराया, एडमिशन कराने के बाद इन्होंने बच्चों का डिक्लेरेशन लिया, डिक्लेरेशन लेने के बाद इन्होंने सैफ से अपॉइंटमेंट लिया, और अपॉइंटमेंट लेने के बाद इन्होंने बच्चों के बायोमेट्रिक कराने जब ये गई हैं तो सैफ ने इनसे ये बात बोली कि मुझे ये बता दें आपका यहाँ पर स्टेटस क्या है, क्या आपकी फ़ाइल लॉक है। तो बहन ने मना किया कि मेरी फ़ाइल लॉक नहीं है, तो उन्होंने पूछा कि आपकी एक्टिविटी यहाँ क्या है, तो उन्होंने ये बात बताई कि मेरे हस्बैंड दुबई से मुझको यहाँ पैसे भेजते हैं वेस्टर्न यूनियन के थ्रू। तो ना मेरी बहन के पास मैनिफेस्ट था, जो मैनिफेस्ट ऑफ इंटरेस्ट जिसे आप फाइल लॉक कहते हैं, ना मेरी बहन के पास अकाउंट था पुर्तगाल का, और ना ही कोई ऐसा प्रूफ था कि यहाँ पे कोई इनकम किसी किस्म की ये जनरेट कर रही थी। बच्चों का बायोमेट्रिक तो ले लिया गया, मगर कार्ड इशू तब तक नहीं उन्होंने किया जब तक उन्होंने ये नहीं देख लिया कि पेरेंट्स में से किसी एक का मैनिफेस्ट यहाँ अप्लाई हुआ हुआ हो, उनका बैंक अकाउंट खुला हुआ हो, तो फालतू लगा के उन्होंने भेज। वो मेरे दोस्तों जितने भी वो बहन भाई मुझसे ये बात बोल रहे हैं कि कोई मसला नहीं है, अगर आर्टिकल 88-89 बंद भी हो गया है तो हम यहाँ आ जाते हैं, बच्चे की बेस पे कार्ड ले लेंगे, तो आप ये यकीन कर लें, मेरे पास एग्जाम्पल मौजूद हैं, उस बहन का इंटरव्यू भी नीचे लगा हुआ है मेरी वीडियोज़ में, कि उनके पास अगर मैनिफेस्ट नहीं था तो उन्होंने बच्चों के बायोमेट्रिक में भी फालतू लगा दिया कि बच्चों के कार्ड तब तक नहीं आएंगे जब तक आप हमें मैनिफेस्ट ऑफ इंटरेस्ट का पेपर नहीं देंगे पेरेंट्स में से दोनों में से किसी एक का। और मेरे दोस्तों आप लोगों को ये बात मैं और बताऊं कि जितने भी मेरे बहन भाई 1 जून से पहले यहाँ पुर्तगाल में मौजूद थे, उन लोगों के बोर्डिंग पास मौजूद थे, उन लोगों को और उनके मैनिफेस्ट अप्लाई नहीं हुए थे, बच्चों के एडमिशन अभी नहीं हुए थे, क्योंकि अभी यहाँ 2-3 महीनों की छुट्टियाँ भी चल रही हैं, सीज़न एंड था, तो इन्होंने फ़ौरन अभी बच्चों को एडमिशन भी नहीं दिया है क्योंकि 2-3 महीने की छुट्टियाँ आ गई हैं। तो वो मेरे सारे भाई बहन जो लोग 1 जून से यहाँ पे
मौजूद थे और वो लोग इंतज़ार कर रहे थे अपने निफ्टनेस का कि निफ्टनेस बनकर आए तो फिर वो मैनिफेस्ट ऑफ इंटरेस्ट की तरफ जाएं। वो लोग फ़ौरन वकीलों से, जो पुर्तगीज़ वकील हैं लिस्बन में या उनके आसपास जो भी इमिग्रेशन वकील हैं, कोशिश करें पुर्तगीज़ वकील लें, अपने लोगों से दूर रहें तो वो ज़्यादा अच्छा है, उनके थ्रू काम कराएँ अदालत में। ये जो डिसीजन है ये चैलेंज करें कि आपका ये डिसीजन आया है 4 तारीख को, हम 1 जून को यहाँ पहुँचे हुए थे। दोस्तों आर्टिकल 92 की भी साथ साथ मौत हुई है, क्योंकि बच्चे की बेस पे, जो लोग बच्चे की पढ़ाई के बेस पे 7वीं 8वीं क्लास का एडमिशन शो करा के पेरेंट्स कार्ड, बच्चे को कार्ड और उसके बाद पेरेंट्स को कार्ड दिला दिया करते थे, ये भी अब बहुत मुश्किल हो गया। आप लोग मुझसे ये बात पूछ रहे हैं कि मुर्तज़ा भाई इस वक्त पाकिस्तान से वीज़ा रेशियो या दुबई से वीज़ा रेशियो जो है वो कौन से कंट्री का बेहतर है, जर्मन और स्पेन जो वीज़ा दे रहे थे किस तरफ हमें जाना चाहिए, कहाँ का वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, तो एक छोटी सी बात करके मैं चलूँगा। मेरे दोस्तों हमेशा याद रखें उस कंट्री का इंतखाब करें जहाँ पर इंटरव्यू होता है। अगर आपके पास थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस है या थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस है किसी के सामने बात करने का, तो मुझे लगता है कि जर्मनी बेस्ट है उस हवाले से। क्यों? क्योंकि अगर आप स्पेन का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो जो डॉक्यूमेंट आप सबमिट करते हैं उसमें अगर वीज़ा ऑफिसर को कोई शक होता है या कोई बात उसको पूछनी होती है तो वो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देता है, बजाय इसके कि वो आपको दोबारा रिप्लाई करे और आपसे बोले कि हमें ये डॉक्यूमेंट आपसे और रिक्वायर्ड है, ये डॉक्यूमेंट जमा करा दें और वीज़ा ले लें। वो ये सवाल नहीं करता, डॉक्यूमेंट में उसको कोई कमी लगती है या कोई शक आता है तो वीज़ा वो डायरेक्ट रिफ्यूज़ करता है। इसके बनिस्बत अगर आप जर्मन का ये वीज़ा पॉलिसी देख लें तो वहाँ पे एक छोटा सा इंटरव्यू लिया जाता है। जब आप जर्मन कौंसुलेट में जाते हैं और अपनी एप्लीकेशन वहाँ पर प्रेजेंट करते हैं तो अगर वो पूरी एप्लीकेशन आपकी वो देखते हैं, अगर उनको किसी चीज़ की कोई कमी नज़र आती है या कोई उनको छोटा सा कोई ऑब्जेक्शन नज़र आता है या कोई उनके दिमाग में सवाल पैदा होता है तो वो उसी वक्त आपसे पूछ के वो ऑब्जेक्शन जो है वो क्लियर कर लेते हैं और आपकी एप्लीकेशन में मार्क कर लेते हैं कि कैसा आपका इंटरव्यू रहा। तो मुझे लगता है कि अगर स्पेन और जर्मन अगर मुझसे ज़ाती तौर पे पूछेंगे, मैं ज़ाती राय मेरी ये है कि जर्मन जो है वो फेवरेट है। और इस साल अगर इन 3 सालों में मैं जायज़ा लूँ तमाम वीज़ा रेशियो का, जितनी मेरे पास कॉल आई, जितने लोग मुझे यहाँ पर आके मिले हैं पुर्तगाल में ख़ास तौर पर, तो मैं सबसे ज़्यादा अगर काउंट करने पर आऊँ तो जर्मन वीज़े सबसे ज़्यादा इशू हुए हैं। और आपको याद होगा कोविड जिस टाइम पे खुला था तो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा वीज़ा आँख बन करके स्पेन ने दिया था, लेकिन उसके बाद से जो मैंने इन 3 साल में लोगों से मैं मिला, मुख्तलिफ लोगों से मिलता हूँ, मुख्तलिफ लोगों से फ़ोन पे बात होती है, तो 99% सब ने ये बोला कि मुर्तज़ा भाई हमारा जर्मन वीज़ा है। मेरे दोस्तों एक चीज़ आप लोगों को और बताता चलूँ, वो ये है कि जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि मैं यूट्यूब पर मौजूद हूँ और यूट्यूब पर होने की वजह से तमाम तर यूरोप के मामला जो आप लोगों के साथ गुजर रही है वो आप लोग मेरे साथ शेयर करते हैं। तो आजकल जो हॉट टॉपिक चल रहा है वो शेयरिंग में वो यही चल रहा है कि जैसा कि पाकिस्तान ने पासपोर्ट देने से इनकार कर दिया है, एक्सटेंड करने से, रिन्यूअल करने से इनकार कर दिया है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने पूरे यूरोप में किसी भी जगह पे, अमेरिका, इंग्लैंड में या यूरोप में उन्होंने असाइलम अप्लाई किया था। अब मेरे पास जो बहुत बड़ी तादाद है आप लोगों की, वो मुझे कॉन्टैक्ट करके ये बता रही है कि मुर्तज़ा भाई जैसे कि हमारा एक डिसीजन आया था उसमें हमें फ़ेल कर दिया गया था, अब हमने अदालत से दोबारा रिजू किया है और उसमें हमने ह्यूमन राइट्स की बुनियाद पे पाकिस्तान का वो पासपोर्ट कैंसिल करने वाला कि पाकिस्तान हमको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है वो पेपर भी हमने लगाया है और ह्यूमन राइट्स की बुनियाद पर हमारे जो हैं आप देखें डिसीजन क्या आते हैं। तो इस बारे में आपकी क्या राय है अगर मैं मुझसे पर्सनली पूछेंगे मेरे दोस्तों, तो मैं आप लोगों को बताता चलूँगी यकीनन ये जो पॉलिसी आई है पाकिस्तान की कि वो पासपोर्ट आपका कैंसिल कर रहे हैं, इसकी वजह से यकीनन आप लोगों को फ़ायदा होगा, क्योंकि ह्यूमन राइट्स में और इस पूरे यूरोप में ये इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर फैसले ज़्यादातर किए जाते हैं, कानून भी इनका है लेकिन जहाँ इंसानी हमदर्दी की बात आती है तो ये अपने फ़ैसलों से पीछे भी हटते हैं। तो जितने भी वो लोग जो कि जर्मनी, फ्रांस, इटली, बेल्जियम, यूके, कनाडा में असाइलम अप्लाई करके बैठे थे और उनके असाइलम में प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो अब आप लोग चूंकि स्टेटलेस हो चुके हैं, आप लोगों के पास आपका कोई मुल्क नहीं है, पाकिस्तान ने भी आपको लेने से इनकार कर दिया है, तो यकीनन ये डिसीज़न जो है ये आपके फेवर में जाएगा। पाकिस्तान ने तो ये फैसला गुस्से में किया था कि उन सब लोगों को सज़ा दी जाए जो लोग पाकिस्तान की बदनामी करते हैं और दूसरे मुल्कों में जाके असाइलम करते हैं, बट कहीं ना कहीं ये उनके फेवर में आ गई ये चीज़। तो बस ठीक है मेरे दोस्तों, अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।